पब्लिक रिएक्शन के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट हिफ्जा ताहिर और मैं आपको बताती चलूँ कि मैंने ज्वाइन कर लिया है पब्लिक रिएक्शन, जिसमें हम लेकर आएंगे टॉपिक अपनी ऑडियंस के लिए और लेंगे उनका रिएक्शन जो कि बहुत मज़ेदार होने वाला है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक ऐसी स्पेसिफिक कास्ट जिनके बारे में अक्सर कहा जाता है जो करने से पहले सोचते नहीं और करके सोचते हैं मैं क्या करता। गेस करें, चले मैं बताती हूँ। ये स्पेसिफिक कास्ट है जट बरादरी, जिनके बारे में मशहूर है जट ना होए ते वट ना होए। चले तो आए हम चलते हैं पब्लिक की तरफ और उनसे पूछते हैं कि जट बरादरी के बारे में उनके क्या ख्यालात हैं और अगर उनकी कम्युनिटी में कोई जट है तो वो किस किस तरह के जटों को फेस करते हैं और जटों के अंदर कितना दिमाग होता है, ये तो बताएगी हमारी पब्लिक। तो आए मेरे साथ। अच्छा, एक बंदा मैंने मिला है तो मुझे शक्ल से तो और मूंछों से वो लग रहा है कि जट है, तो आइए जरा उससे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। यार क्यों गए? लाइट मेरे ऊपर क्यों? मैं खबर हूं कोई मेरे ऊपर रोशनी डाल रहे हैं? रोशनी हम इसलिए डाल रहे हैं कि आप प्यारे लगे, खूबसूरत लगे, क्योंकि जट अक्सर थोड़े जरा ना अकल से भी पैदल होते हैं और हुसन भी थोड़ा कम होता है। तो मैंने कहा जरा आपकी जुबान कड़वी हो जाएगी, मुझे खूबसूरत कह दिया आपने। जुबान बहुत अच्छी। मैंने कहा जट खूबसूरत नहीं होते। अच्छा जी, ये जट्स के बारे में मशहूर है? जट्स के बारे में मशहूर है कि जट इतने कुछ खास। सारी उम्र कह दिया, सारा दिन उन्होंने वो चारा काटना है, खेतों में काम करना है, बेचारों को रोटी भी वहीं खानी है, शाम को बच्चे भी नहीं पहचानते कि ये अबू है या मामू है। वैसे तुसी जट हो, मूछे तो रखी हुई आपने जट। नहीं, मैं राही हैगा वा, मगर जट मेरे आले दुआले बहुत रहते, वो फिर उन्होंने देख देख के जैलस होता कि वो इंज मेरे सामने करके तोड़ते, मैं मम्मी रखा था। रीस कर रहे हैं आप, रीस। अच्छा ये बताएं कि जट का लफ्ज जैसे आप सुनते हैं तो पहला वर्ड क्या दिमाग में आता है? लड़ाई। मुझे किसी जट से आप कुछ पूछेंगे ना, आपको ऐसा बताएगा कि क्या बात है। क्या बताएगा? मैं वाकया आपको बता देता हूँ कि अब यहाँ पे चल जाएगा आपके। चलेगा, आप बताएं। जट थे ना हमारे वहाँ गाँव में, तो वो 12 बजे थे, तो वो 12 बजे वो दूध धोने चला गया गाँव। 12 बजे गांव नूं तंग करोगे तो फिर उन्हें लाती मारनी और क्या करेगी वो? उन्हें कहना तुहाडी गांव नूं। अच्छा ये बताएं कि आप लाहौर से ही हैं? नहीं, मैं फैसलाबाद से हूं। फैसलाबाद से, इसलिए झुकते मार रहे हैं। तो जट आपकी कम्युनिटी में तो होंगे ना, आपके दोस्त वगैरह होंगे? हाँ, बड़े हैं, बड़े बड़े मजे के वाकयात हैं। जब इनको प्यार होता है ना तो मैंने कहा रूम की शान बढ़ जाती है। वो तुहाडी भरजाई का मैसेज आया जे, ओए तुहाडे भरा नूं सद्दण डई इत्थे, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਰਾ ਚੱਲਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਫਿਰ ਬੱਕਰੀ ਬਣ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਜਦੋਂ ਬਿੱਲ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਬਤਾਏ ਕਿ ਜੱਟ ਪਹਿਚਾਨੇ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦੇ ਹਨ? 3-4 ਲੋਕ ਦੋਸਤ ਸਾਹਮਣੇ ਸੇ ਆ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸਮੇ ਸੇ ਕਿਵੇਂ ਪਹਿਚਾਨੇਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਜੱਟ ਹੈ? ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੂਛੋਂ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਪਹਿਚਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਕਾ ਲਹਿਜਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਇਧਰ ਆ ਗੱਲ ਸੁਣ ਯਾਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਲੋਫਰ ਥੋੜਾ ਸਾ ਨਾ, ਕੁਛ ਐਸੇ ਪਹਿਚਾਨੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਆਪ ਉਨਕੇ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਰਾ ਸਮੈਲ ਕਰੇਂਗੇ ਨਾ ਤੋ ਆਪਕੋ ਆਏਗੀ। स्मेल आई थी तो मैं आपके पास आई थी ना, मुझे क्या पता कि आप जट नहीं हैं। तो अच्छी आ रही है ना, आप इसलिए आई हैं, राही बैठा हुआ है। अच्छा ये बताएं कि अगर आपको जट बरादरी से रिश्ता आता है किसी लड़की का तो क्या एक्सेप्ट करेंगे? कर लेंगे, बड़ी मेहनती होती है। की कर दिया ने? सख्त होती हैं, जो मर्जी सख्त लड़की तूबे काम करा लो, जिथे मर्जी करा लो, सख्त होती हैं। लड़कों की बुराइयां कर रहे हैं तो लड़कियों के बारे में ये ख्याल रखते हैं? देखिए, लड़की किसी जात की भी हो, किसी मजहब की हो, किसी कौम की हो, लड़की तो लड़की होती है, हां चलनी चाहिए, नाजुक होती है, छिपली से डर जाती है, लड़कियों को तंग नहीं करना चाहिए, नाजुक होती है बेचारी। मतलब कि ये जट बरादरी का रिश्ता एक्सेप्ट कर लेंगे, अगर कोई है नजर में तो जरूर इनसे राब्ता करें। ऐ मैग बंद होंदे जटा को चपेड़ा ना पवा दियो मैनू, कि साडियां कुड़ियां ते रिश्ते तो मंगी जा रहे हैं कैमरे से, अराइयों से चपेड़े पड़े कि जट्टों से नहीं हो चुका है। क्या कर रही है इनके बारे में तो सब जानते हैं, निमरा अली जो फेमस सुपर स्टार, कुछ ज्यादा तो नहीं कह दिया मैंने? बिल्कुल नहीं, ये क्या बोला आपने मेरे लिए, थोड़ी सी तारीफ, इतने से लफ्ज बोले आपने। चले मेरे लफ्ज खत्म हो जाएंगे लेकिन इनकी बातें खत्म नहीं होगी। बताएं कि एक जात है जट बरादरी, तो जट का लफ्ज आती दिमाग में पहला लफ्ज क्या आता है? मुझे क्या पता जट क्या है, मूछे आती है मेरे दिमाग में। तो कभी सोचा नहीं जट से इंस्पायर होके कि मैं मूछे रख लूं? नहीं, हरगिज नहीं। मैं राजपूत हूँ, मैं राजपूती राजपूतानी में खुश हूँ, तो मैं क्यों जटों के पीछे जाऊँ भाई? जटनी नहीं खुश आप? जटनी नहीं, मैं राजपूतानी हूँ। राजपूतानी अपनी जुबान के सच्चे होते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसी में खुश हूँ। जुबान है। अच्छा अगर जटों जुबान की बात आती है तो राजपूत भी अच्छा लफ्ज मेरे पे फिट होता है, निमरा अली की जुबान की ऐसे मशहूरी है, तो आई एम हैप्पी विद माय। निमरा जट नहीं मशहूर?
निमरा जट ने निमरा अली राजपूत। अगर किसी जटों के घर से रिश्ता आ जाए तो क्या आप एक्सेप्ट करेंगी? डिपेंड करता है कि लड़के पे, लड़का मुझे पसंद होना चाहिए, मेरी अम्मी को पसंद होना चाहिए। हमारे में पहले होता था कि आप जात के बाहर शादी नहीं करते, लेकिन अब तो प्यार मोहब्बत वाले सीन चलते हैं, जिसको जिससे मोहब्बत है उसकी उसके साथ शादी हो जाती है। तो देखेंगे, राजपूत अगर जट अगर अच्छा होगा तो कर लेंगे। कहते हैं वैसे जटों की अकल गिट्टों में होती है, अकल उकल नहीं होती उनके अंदर। वो तो हर इंसान की जो अकल है वो गिट्टों में है, हर इंसान की, सिर्फ जटों की नहीं। कोई अच्छी अच्छी बात बता दें जटों की, दोस्त वगैरह तो होती होंगी जट। मेरी दोस्त है जट, जटों की ये बात है कि अगर वो जट लड़का है तब तो वो जट समझ आता है, लेकिन जो उसकी बहन है वो भी जट जैसी होती है, क्योंकि मेरी फ्रेंड है वो लड़की है लेकिन फिर भी वो लगती मर्दी है। उसकी दाढ़ी मुझे आती है? नहीं, उसके अंदर से एक फील आती है मर्दों वाली ना, ऐसे वाली, तो इसलिए माइक सट के मार देना। निमरा आप भी जट है? नहीं, वैसे फील आती है ना, देखिए आप माइक सट के मारेंगे तो ये लड़के मारने वाली बातें करते हैं, तो आपके अंदर से भी लड़कों वाली फील आ रही है। जटों का कोई गाना सुनाओ। मैं पंजाबी गाने वैसे तो बहुत शौक से सुनती हूँ, लेकिन मुझे भी याद नहीं आ रहा, पंजाबी गाने आते हैं लेकिन जट वाला गाना नहीं जहन में आ रहा अभी ना। वैसे तो मेरा जहन दुनिया की सबसे तेज तरीन चीज़ है, लेकिन अभी इसके अंदर कुछ नहीं आ रहा। हम लोगों ने, पब्लिक रिएक्शन वालों ने आपका दिमाग का भी ठुस कर दिया, आपको दही कर दिया, मेरे दिमाग दही कर दी दिमाग। वो गाना नहीं, जट नहीं, पंजाबी नहीं, फंस नहीं तेरे तो नहीं आता, नहीं आता। चलो थैंक यू सो मच। जी तो ये कुछ ऐसी आवाम है जो खुद ब खुद चाहती है कि हम उनसे बात करें, तो हम करते हैं उनसे बात। कौन है जी? अस्सलाम वालेकुम। अरे वाह, इतने ज्यादा लड़के एक साथ हैं। जी जी, हम इकट्ठे हैं, दोस्त हैं। दोस्त हैं आप सारे? जी 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 जी, दोस्त हैं। आप भी हैं इनके साथ? जी जी, दोस्त ही हैं। इतने ज्यादा लोग हमारे फ्रेम में आ रहे हैं। चले जी, बात करते हैं आपसे। जो नहीं आ रहे वो बाहर चले जाएं। मैं ही नहीं आ रही, मुझे बाहर जाना पड़ेगा। अच्छा ये बताएं कि आप चारों यहाँ पे क्या करने आए हैं? ऐसी शुगल मेला, मेरा सूट बुक करवाया हुआ था इधर वो टेलर से ना, उसकी साइजिंग करवाने आए थे। मतलब इतना महंगा सूट है कि चार चार लोग आ गए हैं उसके लिए। काफी महंगा है। अच्छा ये बताएं, स्पेसिफिक कास्ट होती है जट, जट का नाम सुनते ही पहला क्या वर्ड आता है दिमाग में? जट के नाली जट, शेर लोग होते हैं, जीदार लोग होते हैं। अच्छा कोई एक ऐसी अच्छी बात बताएं जट की। खुले दिल के होते हैं, बहादुर होते हैं। बहादुर होते हैं। दूर से आता है जट को कैसे पहचान सकते हैं कि वो बंदा जट है? बाजू खोल खोल के चलेगा, कलफ वाला सूट सफेद पाया होगा, गुज्जर नीला पाया होगा, वो गुज्जर होगा। आप में से कौन जट है? हमारे में से कोई भी नहीं। ये क्या बात हुई? क्या गुज्जर होने में कौन सी बात है? अगर जटों में से रिश्ता आ जाए तो कौन एक्सेप्ट करेगा? नहीं, मैं तो नहीं करूंगा जी। हमारे यहाँ गुज्जरों में रिश्ता किया जाता है। गुज्जरों में किया जाता है? बिल्कुल भी नहीं करेंगे। नहीं जी, नहीं नहीं, हम ये नहीं कह रहे कोई इलामा जट इंसान नहीं होते, लेकिन बस फैमिली की मसले मसाइल होते हैं तो उनको फॉलो करना पड़ता है। प्रायोरिटीज होती हैं, प्रायोरिटीज होती हैं, कास्ट प्रायोरिटीज होती हैं, कास्ट को फॉलो करते हैं। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं इधर खड़ी हूँ, आप कहाँ देख रहे हैं? वो आप इतनी सी है ना, नजर नहीं आ रही। तो आप भी इतने से हैं लेकिन मैंने आपको ढूंढ लिया। अरे ये आपकी नजरों का कमाल है। ये आपने छोटी छोटी सी मूछें रखी हैं, या तो रखें तो पूरी रखें, नहीं रखें तो ना रखें, ये मजाक कर रहे हैं आप? मुझे लगता है कोई रख के चला गया है। कोई रख के चला गया है? वट तो दें जरा। नहीं, मैं कलाबाजी खा लांगा। अच्छा ये बताएं कि जट का लफ्ज सुनते ही आपके दिमाग में पहला वर्ड क्या आता है? अपना कजन शानी जट। क्यों? जिदो भी मैं कितने फासना पिछो ही आंदा है। मतलब कि जट वफादार दोस्त होते हैं? हां बिल्कुल, ऑब्वियसली। लेकिन लोगों का तो इतने बुरे कमेंट्स है जटों के बारे में कि जटों में मत नहीं होती, ये क्या बात हुई? मत, व्हाट इज दिस मत? मत का मतलब सेंस। डू यू नो इंग्लिश? ये वो बड़ी खतरनाक है, तो जिथे हो गया है, शुक्र है। शुक्र है। क्या कास्ट है आपकी? कास्ट में अजहर रंगीला, नसीम विक्की और सलीम शेख, ये सारे कास्ट है। नहीं, मेरा मतलब जट है, राई है, राजपूत। अच्छा, है, बट अच्छा, है। अच्छा, वो पूछ रहे हैं। अकल का काट है, मुझे जट लग रहे हैं आप। नहीं, क्या है फिर? मैं क्यों बताऊं, मैंने आपसे पूछा है। तो आप मुझसे पूछ ले, मैं बताऊंगी आपको। तो मुझे पता है कि आप वो हैं। क्या वो हैं? मारीट है। अपनी कास्ट बताए। हम अंसारी होते हैं। अंसारी होते हैं। और दोस्तों में अगर कोई दोस्त देखा जाए तो कहा जाता है कि जट बड़ा वफादार दोस्त होता है, ऐसा है? देखें जी, इंसान खुद अच्छा हो ना तो सभी अच्छे होते हैं, सारे दोस्त ही अच्छे होते हैं। अब अपना ही हिसाब लगा ले, पानी भी नहीं पूछा, बुला ले आए।
अच्छा जट एक ऐसी कास्ट है जो कि पहचानी जाती है कि वो बंदा जट है उसके हुलिये से, लिबास से, बोल चाल से, तो आप कैसे डिफाइन करते हो जट को, कोई एक ऐसी चीज? नहीं, आप जब ये टॉपिक सिलेक्ट कर रही थी किसी ने आपको समझाया नहीं जटा नु तुहाडे नालों सेहतमंद फोड़ा निकलता है? मेरी सेहत पर ना जाए, मैं क्या क्या आई कांट स्पीक। क्यों गूंगी हो? कोई गाना सुना दो जट दा। गाना नहीं आंदा। की आंदा? ये कहां से आते हैं लोग, मुझे लगता नहीं कि पढ़ी लिखी आवाम बसती है पाकिस्तान में। कितना पढ़े आप? मैं लोरो लेके काम की ताकि जिन्ने बोर्ड आंदे सारे पढ़े आ। फैसला वादी तो नहीं? नहीं नहीं। चले कुछ सुना दें, कुछ अच्छा सा। क्या सुनाऊं? कोई गाना सुना। नहीं दोबारा किधर कुछ सुना दें। कुछ सुना दें। अल्लाह का शुक्र है तुसी सुनाओ। मैं ठीक हूं, आप कोई गाना सुनाएं। गाना नहीं आता मुझे। इतने जटों के गाने मशहूर हैं आजकल पंजाबी। आज तक नहीं कोई सुना। अस्सलाम वालेकुम। आप उन बाजी से बात करें मुझे प्लीज। आपसे बात ना करें, उनसे बात। चलो उनसे बात कर लेते हैं। बैठ जाऊं मैं जरा एक मिनट से। पब्लिक रिएक्शन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। यहाँ क्या करने आई हैं? शॉपिंग करने। शॉपिंग क्या लिया? शूज लिए। शूज लिए। अच्छा माशाल्लाह आप बड़ी सेहतमंद लग रही हैं, अच्छी सेहत है आपकी। तो ये बताएं आपकी जात क्या है? माशाल्लाह हम राजपूत हैं। अरे वाह, राजपूत है। राजपूत किस तरह के होते हैं? राजपूत बहुत अच्छे, जैसे हम नजर आ रहे हैं, खाते पीते सेहतमंद। खाते पीते सेहतमंद होते हैं राजपूत। और जटों के बारे में ख्याल क्या है? जट किस तरह के होते हैं? जट भी ऐसे ही होते हैं क्या? जट के पट कह रहे हैं यार, वो कह रही है फजूल है। फजूल क्यों है? जट बस हर हर अपनी अपनी कास्ट होती है, किसी को जट अच्छे लगते हैं, किसी को अराई अच्छे लगते हैं, किसी को राजपूत अच्छे लगते हैं। देखिए कैमरे में नहीं आ रही लेकिन उधर से फूफो की तरह सारी चुगलियां लगा रही है जट्टों की। अगर आपको जब आपकी शादी की उम्र थी तो किसी कहीं जट बरादरी से रिश्ता आ जाता तो आप क्या करती? हम कभी भी ना करते, हम लोग अपनी कास्ट से अलावा कहीं शादी करते ही नहीं। पक्के राजपूत हैं। राजपूत हैं हाँ जी। कोई दोस्त वगैरह भी नहीं कभी जट रखा? कोई होता है ना गैदरिंग में जट फ्रेंड हो जाती है? नहीं नहीं, जट नहीं है, अराई है। अराई पे क्यों हंसी निकली? क्या कह रही है? मैं क्या अराई के साथ दोस्ती है, जट्टों के साथ मतलब जड़ा नाल होए ओदे नाल दोस्ती है, तो जड़ा नाल ना होए ओ पैड़ा। हां पैड़ा नहीं, पैड़ा अच्छे इंसान, सारे इंसान ही अच्छे, अल्लाह ने जड़े पैदा किए सारे ही बहुत अच्छे है। चले आप गोलगप्पे एंजॉय करें। थैंक यू सो मच। हमारे साथ नहीं नहीं, मैं नहीं खाऊंगी। आपने कहा है कि आपको जट पसंद नहीं है, तो आप जट्टों के साथ बैठ के आप उनकी बुराइयां कर रही हैं, ऐसा क्यों कर रही हैं? कास्ट है आपकी? मेरी है जी राजपूत राणा। अरे वाह राजपूत राणा। अच्छा ये बताएं, एक स्पेशल कास्ट होती है जट, तो जट का लफ्ज सुनते ही आपके दिमाग में पहली चीज क्या आती है? देखिए जी आप चार दिन नान नहाए तो पांचवें दिन आप जट बन जाएंगे। बड़ी बात की है वैसे। अच्छा ये बताइए कि जट की कोई एक ऐसी अच्छी बात जो आपको बड़ी अच्छी लगती है? जट्टों को बेसिकली प्रमोट की है गानों ने, जट्टा दी कुड़ी इस तरह दी, जट्टा दे मुंडे इस तरह दे। बंदा पूछे गाने और नहीं है यार, रानों पे भी गाने बनाओ यार, दो चार रानों पे गाने बनाते हो, रानिया ते गाने वही बनाते ने, राने पे गाना, राने पे गाना, ते जट्टा दे तुसी बनाते हो बदमाश आया हो जी जमींदार बंदा आया यार, रानों की भी इज्जत किया। जट्टों में कोई बात है तो उन पे गाने बनते हैं ना, अब राजपूतों में कोई बात नहीं है तो हम क्या करें? राजपूत आप किले जाए, मुगल जाए, मुगल जो उनकी बरादरी है उनपे करें, आप जट्टों में है क्या? मुझे इतनी बड़ी बड़ी कर लेते हैं, ये बंदा पूछे उनको शेव करने के पैसे नहीं मिलते, क्या मसला है उनको? अच्छा ये बताएं कि ऐसी कौन सी स्पेशल चीज़ है जो जट में देख के दूर से पहचान लेता है बंदा कि वो फलाना बंदा जट है? जट्टों की एक चीज़ है कि वो कपड़े सही पहनते हैं, मतलब कि लशपश रहते हैं वो, और उनके ना तेवर भरे एक्स्ट्रा होते हैं, तेवर भरे उनके एक्स्ट्रा होते हैं, बंदा दूर से देख के कह देता है यार ये जट ही लगता है कहीं, मतलब मुनफरिद होते हैं वो, सारी आवाम में साफ सुथरे पता लग जाता है कि वो बंदा जट आ रहा है। नहीं जरूरी नहीं है, मैं तुहानू कहा नहीं चार दिन नाल ना वो जट निकले आंदे ही। अच्छा आपके भी दोस्त होंगे जट वगैरह, तो किस तरह की इंट्रैक्शन है उनके साथ? जट्टों के साथ कभी जात पात पे तो दोस्ती वगैरह की नहीं है, अच्छे तरीके से ताल्लुक रखते हैं हम, तो एक नेचर देखते हैं, इंसानियत देखते हैं कि यार अगले बंदे को बात करने की सेंस है कि नहीं है, ये जात पात नहीं हम नोट करते। वैसे आपकी क्या जात है? क्यों बताऊँ ये क्या बात हुई, क्यों बताऊँ बताएं तो सही।
ये बातें बताई नहीं पता है, मेरा आना ही निकलनी है मेरी बरादरी दी निकलनी मेरी माता ना मेरे दूर दे फूफे दी कुड़ी होनी है। अच्छा ये बताएं अगर जट्टों की तरफ से रिश्ता आ जाता है किसी जट कुड़ी का तो क्या एक्सेप्ट करेंगे? सर देखिए मैडम जी देखिए अगर किसी लड़की का रिश्ता आता है तो मैंने देखना नहीं, अगर किसी लड़की की नब्ज भी चलती होगी ना तो मैंने हाँ कर देनी है। बड़े तरतीब वहाँ में पाकिस्तान बरादरी की है नहीं है जट है राई है कुड़ी होवे रिश्ता भेजे अल्लाह की कसमी और नब्ज भी चलती होने मैं कहना बिस्मिल्ला। देखिए जी मना नहीं करते किसी को, कितनी उम्मीद से उसने अपनी अम्मी अब्बू को भेजा होगा, मैं उसके अम्मी अब्बू को नाराज कर दूंगा, ऐसा अच्छा नहीं लगता। अच्छा जी जटों की एक स्पेसिफिक टोर होती है, अपनी टोर में वो चलते हैं, तो आप हमें जरा चल के तो दिखाएं कैसे चलते हैं जट। जी तो लाहौर की बड़ी खूबसूरत सी बात है कि यहाँ पे हर तरह के लोग पाए जाते हैं, हमारे पास दो पठान मौजूद हैं तो बड़ा मजा आएगा इनसे बात करेंगे। अगर जटों के घर से रिश्ता आ जाए किसी जट कुड़ी का करेंगे आप लोग? जी बिल्कुल। पठान है जटों से रिश्ता आ जाए, जटों के बारे में कख नहीं पता मगर रिश्ता करेंगे, ऐसा क्यों? रिश्ता तो होता ही है, खान का मतलब ये नहीं कि सिर्फ खान से ही है वो रिश्ता कर ले। जबरदस्त बात की है, वैसे खान का मतलब ये नहीं है, आपको रिश्ता है तो करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, कुड़ी होनी चाहिए बस है। जट की कोई खूबी बताए, कोई अच्छी बात? जट की खूबी ये थी वो बिंदास काम कर देता है। बिंदास का इशारा भी करें, जट की चाल कैसी होती है? कैसे चलता जट? जट जट होते उसके चलने का पता नहीं चलता है कब आए और कब जाए। जट मूछों को वट देते हैं तो आप दोनों की मूछियां जरा कट्टी मूछों को वट दें। बड़े शर्मीले हैं, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। तो व्यूअर्स जैसा कि आपने पब्लिक रिएक्शन पे देखा मेरा आज का प्रोग्राम, टॉपिक लेकर आए थे हम जट का और जट बरादरी तो हमें कम मिली लेकिन राजपूत ज्यादा मिले। कुछ लोगों ने उड़ाया जटों का मजाक और बहुत से लोग ये कह गए कि जट वफादार होते हैं पावे अकल होए ना होए, बट जट वफादार होंगे ने। फिर हाजिर होंगे एक नए प्रोग्राम के साथ, लेकिन जाते जाते मैं आप लोगों को ये कहना चाहूंगी कि कास्ट कोई भी हो, आया वो जट हो बट हो राजपूत हो आराय हो, लेकिन सबके सब इंसान अल्लाह ताला ने बनाए हैं और सबके सब काबिले इज्जत हैं। इसी के साथ साथ फिर हाजिर होंगे एक नए प्रोग्राम के साथ, फिर हाजिर होंगे, अल्लाह हाफिज़।